आदरणीय प्रिंसिपल साहब, टीचर, मेरे छोटे भाई राष्ट्रपति जो मुझे यहां लेके आए, मानू साहब, और इस गुजरात की सरदार पटेल, महात्मा गांधी की धरती से मेरे वो बच्चे जो आने वाले वक्त के अंदर कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छी संस्कृति लेकर के इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस मातृभूमि को मजबूत करने के लिए दुनिया के अंदर भारत माता का नाम ऊंचा करेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। जिन्होंने इस राष्ट्र को आजादी देके दी, जब साउथ अफ्रीका के अंदर एक इंडियन समझ करके उनको ट्रेन से निकाल दिया गया, ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, तो उन्होंने कहा था, आपने हमें ट्रेन से नीचे फेंका है, मैं हिन्दुस्तान जाकर के एक संघर्ष, एक आंदोलन करके अंग्रेजों को कहा था मैं आपको हिन्दुस्तान से भगाऊंगा, और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने गुजरात को बहादुर राष्ट्रपति ने, और भगाया वो अंग्रेजों को। ये वो गुजरात की धरती है। पहले कहा जाता था हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली, और राजधानी है भी है, और अब गुजरात के लोगों की मेहनत, गुजरात के बच्चों की अच्छी एजुकेशन, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, जिन्होंने आज के मॉडर्न युग को देखते हुए अपने आप को बदला देनी है, और जिस देश की संस्कृति, इतिहास, जो बच्चे, वहां के लोग बड़े छोटे जिंदा रखते हैं, वो देश, वो स्टेट कभी कमजोर नहीं होती है, और इसलिए गुजरात कभी ना कमजोर हुआ है, ना कभी कमजोर हो रखा है, जहां पे हमारे बच्चों ने, माता पिता ने, हमारे एजुकेशन सेंटरों ने उस संस्कृति को मजबूत रखा है। इस स्कूल से पता चला कि तेज या सात बच्चे बड़े होकर के अब ये कभी शहीद हुए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम किया। आपके अंदर भी वही जज्बा होगा, हमने शहीद आजम भगत सिंह जी की सोच पे चलना है। और आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा, रोज सुबह उठकर शहीद आजम भगत सिंह जी के इतिहास को जरूर पढ़ा करें। जब उनकी शहादत हुई, उनकी उम्र 23 साल की थी। आज हम कास्ट, मजहब, धर्म में पड़ गए, वोट बैंक की राजनीति, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, तेरी कास्ट छोटी है तो छोटा है, तेरी कास्ट बड़ी है तो बड़ा है, तुम अमीर है तो छोटा है। भगत सिंह जी का ऐसा सपना नहीं था। हम देश आजादी की लड़ाई में हर कास्ट, हर धर्म, मजहब ने, हर कौम ने इस आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया, और अपना देश को आजादी लेके दी। न कास्ट, न मजहब, न धर्म, प्रथम राष्ट्र, हम कास्ट को मजबूत में फंस गए। तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपने फौज में जाना है, आपने पुलिस में जाना है, आप जहां भी जाए, किसी मिशन पे जाए, और उसका मिशन होना चाहिए प्रथम राष्ट्र, हमने दुनिया के अंदर अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है। नमस्कार सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब आपने अपने परिवार में सेना के जाने की बात की तो सबने आपको पहली बार में छुट्टी दे दी? बेटा, मैं सेना में नहीं था, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेना के जाने के बगैर भी मेरी तरह आप राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं, बड़े से बड़ा मिशन पूरा कर सकते हैं। मैं सेना में नहीं हूं, पर मैं बगैर वर्दी से सेना की तरह ही हूं। 14 बार हमले खाए मैंने, शरीर के आधे हिस्से में मेरा लोहा है,
मैं मिनिस्टर रहा, आज मैं सेंटर में मिनिस्टर होता, पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता, पर मैंने अपने आप को आपके लिए, राष्ट्र के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों के लिए अपने आप को प्रथम राष्ट्र माना। तो आप प्रथम राष्ट्र जब अपने आप को कहेंगे तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूरी नहीं सेना में जाए, जाना चाहिए, और सेना के बगैर भी आप राष्ट्रभक्ति कर सकते। सर जी, आपका अब तक जो सफर रहा वो सुनाइए। जीवन का सफर, बेटा मेरा सफर तो जिंदगी का कब से खत्म हो चुका है। इतने हमलों के बाद मेरे साथ 70 लोग शहीद हुए, मेरे जवान शहीद हुए जो मेरे साथ चलते थे, पब्लिक बच्चे के चले गए मेरे कारण। मैं तो मर चुका हूं, मैं तो बोनस की जिंदगी में कई बार मरा हूं, कई बार जन्म लिया है, पर मेरा जो सफर जिंदगी का है वो एक ये कहना चाहूंगा मैं, मंजिल दूर सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती कब के दुनिया मुझे, पर भारत मां की दुआ का असर बहुत है। भारत मां की दुआ, एक शाम चिरागों में सजा रखती है, शब्द लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उड़ा रखी है। तन में बंदे मातरम, मन में बंदे मातरम, बैठे हुए खून में बंदे मातरम, चलते हुए खून में बंदे मातरम, कभी भी दुश्मनों को कहता हूं कभी भी खत्म कर देना हमें, जब चीख भी निकलेगी निकलेगी बंदे मातरम। ये काश मदद की बात करने वाले गुजरात के, मैंने अभी भगत सिंह जी की बात सुना, सुनाई क्या कहा भगत सिंह जी, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा, ना तू छोटा है ना तू बड़ा है, मैं जब निकलता हूं अपने अमृतसर में पुराने घर जाता हूं तो वहां के लोग मातृभूमि की सफाई करते हैं, जो मातृभूमि वो सफाई करते हैं, को बीच में गुट के गटर में सफाई करते हैं, कोई ट्राली में सारा गंग भर करके लेके जाते हैं, जिसका मातृभूमि हमारी सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, हम उनसे नफरत करेंगे जो मातृभूमि की सेवा करें। मैं उतरता अगर मेरी गाड़ी में कुछ छाल होती तो उसके गले में डाल देता, उसको गले में ले लेता, उसको प्यार करता हूं। हमने एक दिन जाना है, आपसे वादा करता हूं कि भारत मां के चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, या कफन का टुकड़ा जीवों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा जी मैं धन्यवाद।